हेलो एवरीवन, दिस इज मी पुष्कर वैस। आज हम आपको प्रोसेस ऑफ कंडक्शन के बारे में पढ़ाने जा रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने आपको कंडक्शन के बारे में पढ़ा रखा है, आइए इनके प्रोसेस के बारे में जानते हैं। व्हेन वन एंड ऑफ द रॉड इज हीटेड, जब रॉड के एक इंड को हम क्या करते हैं, हीट प्रोवाइड करते हैं, हीट देते हैं, द पार्टिकल्स एट दैट एंड एब्जॉर्ब एनर्जी। ओके, तो जो भी पार्टिकल होंगे जिस तरफ के हमने क्या करा, हीट को प्रोवाइड करा है, उस तरफ जो भी पार्टिकल मौजूद होंगे, ठीक है, उस एंड पे वो क्या करेंगे, एब्जॉर्ब कर लेंगे एनर्जी को एंड स्टार्टिंग वाइब्रेटिंग फास्टर, और तेजी से वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देंगे। दीज वाइब्रेटिंग पार्टिकल कोलाइड विद देयर नेबरिंग पार्टिकल्स, और ये जो भी आपके वाइब्रेटिंग पार्टिकल थे वो आपस में कोलाइड करना, नेबरिंग पार्टिकल से कोलाइड करना स्टार्ट कर देंगे। ओके, एंड ट्रांसफर अ पार्ट ऑफ हीट एनर्जी टू देम, और ये क्या करेंगे, ट्रांसफर करने लगेंगे एनर्जी को, ठीक है, नीचे नेबरिंग पार्टिकल में। ओके, ड्यू टू दिस दीज नेबरिंग पार्टिकल्स आल्सो स्टार्ट वाइब्रेटिंग रैपिडली, ठीक है, तो जैसे ये क्या करेंगे, अपनी एनर्जी को नेबरिंग पार्टिकल में ट्रांसफर करेंगे, तो वो जो नेबरिंग पार्टिकल हैं वो भी क्या करेंगे, स्टार्टिंग कर देंगे वाइब्रेट करना, और ये तेज़ी से वाइब्रेट कर लेंगे, ठीक है, और तेज़ी से वाइब्रेट करना स्टार्ट करेंगे। थ्रू दिस प्रोसेस, इस प्रोसेस के थ्रू द पार्टिकल्स ऑफ द रॉड पास ऑन द हीट फ्रॉम वन एंड टू द अदर। यहाँ पे हम देखेंगे कि जो भी आपके पार्टिकल हैं रॉड के, वो क्या करेंगे, एक एंड से दूसरे एंड तक इसी तरीके से प्रोसेस के थ्रू ये क्या करेंगे, हीट को ट्रांसफर कर देंगे। ओके, यहाँ पे दो कंडीशन आपको बताई गई हैं, ठीक है, कंडीशन फॉर द कंडक्शन ऑफ हीट फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू द अदर, ठीक है, अगर एक ऑब्जेक्ट से अनदर ऑब्जेक्ट, दूसरे ऑब्जेक्ट में आपको हीट को पास करना हो तो कैसे हीट पास होगी, क्या कंडीशन है, ठीक है, फर्स्ट है आपका द टू ऑब्जेक्ट शुड बी इन कॉन्टेक्ट, जो दो आपके ऑब्जेक्ट होंगे वो कॉन्टेक्ट में होने चाहिए, ठीक है, कभी भी अलग अलग नहीं होने चाहिए। सेकंड पॉइंट इज दियर टेम्परेचर शुड नॉट बी द सेम, जो इनका टेम्परेचर हो दोनों जो भी ऑब्जेक्ट होंगे उनका क्या होगा, टेम्परेचर डिफरेंट होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट है आपका कंडक्टर एंड इंसुलेटर, और इनका कंडक्टर होना भी जरूरी है, इंसुलेटर में आपका जो है प्रोसेस ऑफ हीट नहीं पाया जाता है। ओके, हीट का ट्रांसफर नहीं हो पाता है। अब कंडक्टर और इंसुलेटर के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। ओके, थैंक यू क्लास, उम्मीद है आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा।